हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. ओके स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश क्लास. वेल चिल्ड्रन, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डू राइट टॉपिक ऑफ यूनिट 10, ए आर रहमान द म्यूजिकल जीनियस. ओके चिल्ड्रन, आई ओपन पेज नंबर 80 एंड फर्स्टली वी विल राइट देट ऑन दिस पेज नंबर 80. सो टुडे इज November 2020. Another side we will write classwork. Okay children, it is your creative writing and you should do yourself. Okay, ये आपको अपने आप करना चाहिए था, but मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी, डिस्कस करूँगी, बताऊँगी कि जो डायरी होती है वो कैसे राइट की जाती है. ओके, सो लिसन केयरफुली. इमेजिन यू आर ए आर रहमान. इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि आप ए आर रहमान हो. ओके, यू हैव वॉन योर नेशनल अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. और आपने फर्स्ट टाइम नेशनल अवार्ड वॉन किया है, जीता है, ठीक है, अचीव किया है. सो राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग. आपने अब डायरी एंट्री राइट करनी है, डायरी राइट करनी है, उसमें आपने अपनी फीलिंग्स राइट करने हैं, बताने हैं कि आपको कैसा फील हुआ जब आपने ये अवार्ड वोन किया. ओके चिल्ड्रन, सो आई एम गोइंग टू राइट. फर्स्टली वी विल राइट डेट. ओके, सो जिस दिन आप डायरी राइट करेंगे उस दिन की डेट आपने मेंशन करनी है, राइट करनी है. सो टुडे इज 13 नवंबर 2020. ओके, एंड देन टाइम क्या हो रहा है वो आपने राइट करना है. सो मैं राइट कर रही हूँ यहाँ पे 10:38. ओके, नाउ डियर डायरी, आपको एक डायरी क्या होती है, एक एज अ फ्रेंड होती है, एक हमारी एक हम एन्जॉयमेंट के लिए भी राइट करते हैं, अपनी फीलिंग शो करने के लिए, किसी दूसरे को ना बता के हम अपनी डायरी में राइट करते हैं, ठीक है. आप अपने एक्सपीरियंस, अपनी खुशी के लिए ये आप राइट करते हो, ठीक है. तो डियर डायरी से आप अपनी फ्रेंड को अगर लेटर लिखते हो तो लिखते हो डियर फ्रेंड, बट यहाँ पे आपका जो डायरी है वो एज अ फ्रेंड है, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह है. सो आप यहाँ पे डायरी राइट कर रहे हो, डियर डायरी मतलब डायरी को राइट कर रहे हो, अपनी फीलिंग बता रहे हो, तो डियर डायरी. ओके, सो यू वुडेंट बिलीव दैट I have won my national award for the first time. Okay, I was so excited. I was so excited. I was so excited to receive. I was so excited to receive this award. Okay, and I felt satisfaction.
I felt satisfaction at being appreciated by millions. Is it children? And my song was composed as the listener expected from me. Okay. My song was composed. My song was composed as composed thinking of listeners. Thinking of listeners. Listeners, okay? Really, really, I am feeling very happy. Okay, really, I am feeling very happy. Okay, children, and now last, your loving friend. A.R. रहमान, यहाँ पे आप अपना नाम नहीं राइट करेंगे चिल्ड्रन, बिकॉज यहाँ पे आपने A.R. रहमान बन के ये डायरी राइट की है. सो यू विल राइट A.R. रहमान, इज इट इट. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन हिंदी. यू वुडेंट बिलीव दैट आई हैव वॉन माई नेशनल अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. डियर डायरी, तुम्हें ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं होगा, बिलीव नहीं करोगी कि मैंने फर्स्ट टाइम में ये नेशनल अवार्ड वोन किया. ओके, इट वॉज सो एक्साइटेड टू रिसीव दिस अवार्ड. ये बहुत ही एक्साइटमेंट, बहुत ही अच्छा, मतलब एक्साइटेड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अवार्ड रिसीव करके. I felt satisfaction at being appreciated by millions. Okay, I felt, मैंने महसूस किया satisfaction हजारों millions लोगों के द्वारा appreciated होके. okay? My song was composed thinking of listener. जो मेरा song था वो कैसा compose किया था, listener को के बारे में सोच कर, मतलब listener के पसंद को सोच कर मैंने ये अपना song जो है कंपोज्ड किया था. ओके, सो रियली आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी. ये अपनी डायरी के साथ A.R. रहमान ने अपनी फीलिंग को शेयर किया है. तो चिल्ड्रन, इसी तरह डायरी एंट्री आपको राइट करनी है. एक होमवर्क में भी मैं दूंगी. फिलहाल आज आपने इस वीडियो के थ्रू अपनी बुक में ये फिल करना है, और पिक्चर भी सेंड करेंगे आप अपने वर्क की. ओके, सो लेक्चर इज़ ओवर. थैंक यू.